अस्सलामुअलैकुम जनाब, मेलोडी टाइम में खुश आमदीद। मैं हूँ अमीशा और मेरे साथ हैं ख्वाजा नजमुल हसन। और जनाब, आज के इस खूबसूरत दोपहर में चार चांद लगाने के लिए, आपको पता है कि दिन में भी चिराग जलते हैं और दिन में भी चांद नजर आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेलोडी टाइम में नजर आते हैं। मेलोडी टाइम चूंकि लाहौर से ही शुरू हुआ था ख्वाजा साहब और गोल्डन जुबली तक पहुँच चुका, माशाल्लाह से 40-45 प्रोग्राम और इससे भी ज़्यादा अब आप ना सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि हमारे फेसबुक के पेज पर हमें देख भी सकते हैं। सो हमारे क्रेडिट पे ये तमाम के तमाम हिट प्रोग्राम्स आ रहे हैं मेलोडी टाइम के, जिनमें तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस और फिल्म साज, हिदायतकार, कंपोजर्स और पाकिस्तान इंडस्ट्री के वो तमाम सितारे जिनको आप सिल्वर स्क्रीन पर देखते थे, टेलीविजन स्क्रीन पर देखते थे, हमारे स्टूडियो में आते जाते रहे। और आज भी एक बहुत ही खूबसूरत इजाफा, पाकिस्तान इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, जहाँ फिल्म साज की बात की जाती है, हिदायतकार की बात की जाती है, मौसीकार की बात की जाती है, तो वो तमाम बड़े नाम जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा, जिनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए, वो सारे सितारे जो हैं वो हमारे स्टूडियो में ज़रूर मौजूद होते हैं। उन्हीं में से एक बहुत बड़ा नाम आज हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब, आप डिस्क्लोज करें जी। अच्छा जी, मैं सबसे पहले ये बताऊँ आपको अमीशा के, ये ऐसे हिदायतकार हैं जिनकी 70% फिल्में सुपरहिट और 92 फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं। पाकिस्तान में नंबर वन जिन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्में की हैं वो हैं। अच्छा। और मसूद भट्ट इनका नाम है, हम इनको सूदी भट्ट भी कहते हैं प्यार से। इनका मेरे से इसलिए ताल्लुक है कि जितने गाने उन्होंने मैडम नूरजहां के साथ किए हैं उतने ही गाने मैंने भी किए हैं। इंटरेस्टिंग। और जी सर, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मसूद भट्ट साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बहुत ठीक हूँ। और आया साहब की जब जहाँ तक बात है तो ये हमारे बड़े भी हैं और बड़ी इनके साथ 40 साल से दोस्ती भी है, क्योंकि ये मैडम नूरजहां के बहुत करीब थे, तो मैं भी उनका बड़ा चहेता था डायरेक्टर, तो उस वक्त से हमारी दोस्ती चली आ रही है। तो खाया साहब बहुत इंटेलिजेंट हैं अपने काम में, उन्होंने कश्मीरी होते हुए अगर तरन्नम प्रोग्राम किया तो बड़ा एक अजीब सी बात थी कि खाया साहब और तरन्नम प्रोग्राम, लेकिन उन्होंने उसमें अपना लोहा मनवाया और वो प्रोग्राम आज तक, आज के दिन तक लोग देख रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं तो खाया साहब का इस वजह से बहुत इनकी कदर करता हूं, इनकी इज्जत करता हूं कि ये इतने इंटेलिजेंट हैं कि कश्मीरी होते हुए जिनको सुर और लय का पता नहीं है, ये कोई काम ही नहीं है, और इन्होंने अपना नाम लोहा मनवाया मैडम नूरजहां जैसी शख्सियत से, जो एक फन का एक बाप था, एक यूनिवर्सिटी थी, एक एक नाम था, एक उनको जो सूझबूझ थी उनको कायल करना, ये खाया साहब के बस की बात है। काम। और मसूद भट्टा, चूंकि आप मौजूद हैं तो हम इनके करियर के आगाज से गुफ्तगू करेंगे। किस तरह से आपके माइंड में आया कि आपने हिदायतकारी की तरफ जाना है, फिल्म साजी की तरफ जाना है, या पाकिस्तान इंडस्ट्री में फिल्मों की तरफ रुजू करना है? देखें हमेशा ये एक ये वाकया है, ये मैं जो सुनाऊंगा आपको जरूर। अच्छा। कि हमारे बिल्कुल घर के साथ रात घर था रियाज शाह साहब का, अब भी है इनका घर उधर मोनी रोड पे, अबाई गल मोनी रोड, और हमारे घर भी बिल्कुल साथ, वो भी कश्मीरियों का घर है मोनी रोड। तो मैं एक बार हम शूटिंग देखने चले गए इनकी वजह से, रियाज शाह साहब की वजह से। अच्छा। तो ऐदर चौधरी साहब वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, फिल्म थी पेंडू, इजाज साहब मुजरा सुन रहे थे, निगो थी, ये वो मीर चौरी साहब डांस डायरेक्टर, जो भी उनकी टीम थी। तो वो एक चपड़ासी था इनका, वो हमें छोड़ के सेट पे चला गया। अच्छा। अब हैदर चौरी साहब बड़े सख्त डायरेक्टर थे, उनका बड़ा मूड जालमाना होता था, ऐसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उनका ये कौन है? अच्छा। वो किसी ने बताया नहीं, वो तड़का छोड़ कर हमें चला गया। तो हम घबरा गए, मैं और एक लड़का था और वो भी हमारे मोहल्ले का था, मुनी रोड का, तो घबरा गए, उन्होंने कहा किहदे नाल तुसी, उन्होंने धक्का मारिया तो पंजाबी च, उन्होंने सानू गल भी कढ़ी तो डर के बुखला गए, तो कोई जवाब नहीं, बाहर कढ़ो इन्हां नू, मूंह चुके आ जांदे ने अंदर। ओही चपड़ासी जिहड़ा गेट कीपर सानू अंदर छड़ के गया, उन्हें सानू धक्के बाहर कढ़ता, बाहर कढ़ता, बड़ी शर्मिंदगी हुई, बड़ा इंसल्ट हुई, देखते रहे यार ये क्या हुआ हमारे साथ। तो जब बाहर गए तो मैंने उससे पूछा, यार ये कौन आदमी था जिसे हमें बाहर निकाल दिया? उन्होंने कहा इनका नाम है हैदर चौधरी, ये डायरेक्टर हैं, ये जिनको चाहे अंदर आने दे, जिनको चाहे निकाल दें, जो। तो मैंने उस वक्त वहीं खड़े खड़े फैसला किया कि मैंने ये काम सीखना है, FSC का इम्तिहान दिया था, तो कोई जेन में नहीं था, कभी फौज में सोचने का जा रहा था, कभी पुलिस में सोचने का जा रहा था, या फिर BSc कर लूं, क्योंकि मेरे बड़े भाई BSc थे, मेरी सिस्टर भी कनेड कॉलेज की पढ़ी थी, ग्रेजुएट थी। अच्छा। तो मैं भी ये सोच रहा, लेकिन इस कश्म कश्म में जब ये वाक्य हुआ
तो मैंने सोच लिया, चैलेंज कर लिया कि मैंने ये काम सीखना है। तो मेरे बड़े भाई उस वक्त कैमरे में आ चुके थे, महमूद वाट साहब जो दुनिया में नहीं है, वो रियाज शाह साहब भी लेकर गए थे। तो मैंने उनको कहा, फिर मैंने कहा जी मैंने भी ये काम सीखना रियाज साहब को। तो उन्होंने अपने भाई, उनका भाई थे फयाज शेख साहब, उनको फिल्म बनी थी दुनिया पैसे दी। अच्छा। वो मैं भी वहां पे असिस्ट हो गया, असिस्टेंट करने लगा कैमरे में। मैंने कहा, उन्होंने कहा कैमरा पहले सीखो। जब कैमरा मैं एज ए असिस्टेंट काम कर रहा था, तो उस वक्त कैमरे होते थे मिचेल न्यू वॉल, बड़े बड़े कैमरे, मोटर अलहदा, व्यू फेंडर अलहदा, बेलो अलहदा, मैगजीन अलहदा, स्टैंड अलहदा, बेस अलहदा, लेंसेज अलहदा। वो रोज जो चीफ असिस्टेंट था वो कैमरे को जोड़ता था फिर खोलता था। मैंने सोचा ये काम बड़ा मुश्किल है, दो तीन महीने किया काम, कुछ समझ थोड़ी सी आई, लेकिन मैंने कहा ये काम बड़ा मुश्किल है, रोज कैमरे को जोड़ना, रोज खोलना। मैंने कहा मैंने नहीं ये सीखना, ये मैंने अपने तौर पर फैसला कर लिया। मैं नहीं गया, मैं कोई एक महीना 15 दिन स्टूडियो नहीं गया। तो मैं खड़ा था बाहर एक दुकान पे, घर का सौदा लेने आया था, तो रियाज साहब वहाँ पे गाड़ी से निकले, तो उन्होंने मुझे देखो, तू मैं तेन कितना चिर हो गया स्टूडियो नहीं आया, तू रियाज शाह साहब है। मैं उन्होंने दसिया कि मैं सोए देने, मैं कह जी बस नहीं तू कल तो आ, तू मैं चला गया। फिर उत्ते उन्होंने फयाज साहब ने कहा यार इन्हू डायरेक्शन च रख लो। मैं फिर डायरेक्शन च आ गया, उन्होंने देखो फिर कम सीखते रहे, फिर दुनिया पैसे दी, फिर सज्जन बेपरवाह, फिर फिल्म थी। मैं फिर उनके बाद फयाज साहब को छोड़ के मसूद असगर साहब के पास चला गया। फिल्म एक बन रही थी बदमाश पुत्र, मैं वहाँ पे चीफ असिस्टेंट था। ये 76 के स्टार्ट की बात है, वो मैं वहाँ पे चीफ असिस्टेंट था। तो फयाज शाह जी जो BM फिल्म के ऑनर थे डिस्ट्रीब्यूशन में, सुलेमान साहब उनकी फिल्म बनाते थे, सुलेमान साहब, तो उनके कोई मेहमान आए हुए थे, तो उन्होंने फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उनकी इल्ज़ाम की हमारी हो रही थी बदमाश पुत्र की, एवरी स्टूडियो में एक नंबर में हो रही थी हमारी, 4 नंबर में। अच्छा। तो वो उन्होंने सुलेमान साहब को कहा कि यार मेरे मेहमान ने तो कहते ने पंजाबी फिल्म की शूटिंग देखनी है। उन्होंने कहा जी फिल्म बदमाश पुत्र की शूटिंग हो रही, उत्थे चले। जुवेद फाजल साहब उनके एसोसिएट डायरेक्टर थे सुलेमान साहब के, मेरे भाई वहाँ पे चीफ असिस्टेंट कैमरे में थे। तो जुवेद फाजल साहब ना उनके मेहमान लेकर सेट पर छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा भी ये सुलेमान साहब के मेहमान है, तो सूदी इनको चाय वाय, उनको चाय भी पूछी, पंखा भी लगा के दिया, कोके कोले भी पिलाए, वो चले गए। वो चले गए तो जाके उन्होंने सुलेमान साहब को कहा कि सुल्लू यार ये जो लड़का उधर वो काम कर रहा है असिस्टेंट है, वो तो पूरा डायरेक्टर है, उसको तो डायरेक्टर होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये उनकी सेट पर अपनी बात हो रही है, वहाँ ज़ेबा मोहम्मद अली थे, ज़ुमुरद गाना गा रही थी। तो उन्होंने सुलेमान साहब ने जुवेर फाजल को कहा कौन है असिस्टेंट, उन्हें कहा जी महमूद भट्ट का भाई उत्थे मसूद भट्ट सूदी। उन्हें कहा अच्छा, जान बुला के लिया। जुवेर फाजल साहब सेट पे आए, मुझे आके कहते हैं जी सुलेमान साहब ने बुलाया। तो मैं परेशान हो गया नजम साहब मेश के, मैंने तो उनकी बड़ी खिदमत की है, उनके मेहमानों की चाय भी बुलाई है, बोतलें भी बहाई, कि क्या हो गया मसला। अब वहां से मैं चल के 3 नंबर फ्लोर से निकल के मैंने 1 नंबर पे आना था, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरहला था कि अब सुलेमान साहब को क्या जवाब दूंगा। लेकिन मैं सेटिस्फाई था कि मैंने उनको बड़ा अच्छा ट्रीट किया। बहरहाल मैं सेट पे चला गया, तो उन्होंने ऐसे मुझे मारा, हल्को जनरल नसीब करे सुलेमान साहब को, कहते हैं ओए सुधी फयाज शाह जी कह रहे ने तू पूरा डायरेक्टर है, तो मैं उन्होंने कहा पंजाबी फिल्म बनाओ। देखे ये खाजा साहब, कोई डायरेक्टर अपने इदारे को कहे कि इस डायरेक्टर से फिल्म बना लो, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत ये होता नहीं ऐसे ही। ये वो बड़े लोग बड़ी बातें, सुलेमान साहब बहुत ग्रेट आदमी थे, बहुत ज्यादा 100 करोड़ जन्नत थे। उन्होंने कहा कि फयाज शाह जी इसको डायरेक्टर लें, पंजाबी फिल्म बनाए। उन्होंने मुझे कहा भी कल तुम रैल पार्क आओ मेरे दफ्तर, तो उस बैठ के वहाँ बात करेंगे। मैं चला गया, उन्होंने मुझे 2000 रुपया दिया, राइटर को ले लो, कहानी शुरू करो, फिल्म बनाओ पंजाबी। तो वो 2000 लेकर मैंने 500 ख्वाजा परवेज़ को दे दिया, 500 ताफो को दे दिया, 500 बशीर निहाल को दे दिया, और 500 बाकी एंटरटेनमेंट के लिए आगे चाहे वो आएगा, गाना बनेगा, कोई अपना म्यूजिक डायरेक्टर आएगा, ये राइटर आएगा। तो वहां से काम शुरू हो गया, फिल्म बन गई। सुधीर साहब मैंने लिए, उसको हिट थे बदर मुनीर की, दोनों नेर की रात की हिट हुई थी, वो आसमान पे खड़ा था। नजमा की खानजादा हिट हुई थी, मुसर्रत शैन की दोनों ने एक रात की, मुसवा कुरैशी की लेसंस हिट हुई थी, जनरल के सब उस वक्त के सुपरस्टार बहार बेगम, मिश्र चौधरी, उनको लेकर मैंने फिल्म शुरू की। और फिर मैंने उसकी कराची शूटिंग की 50%।
तो जब वो फिल्म लगी उसका म्यूजिक बना तो उसका गाना बड़ा हिट हो गया, कजो तो कर दीजिए वार सजना खान साहब, नई दफ्तर का शुरू के गाने में वो है और बड़ा हिट हुआ था। मेरे ख्याल है प्रोग्राम का आगाज भी इसी गाने से करते हैं। तो जनाब चलिए चलकर सुनते हैं खूबसूरत सा ट्रैक और उसके बाद आते हैं वापस, हमारे साथ रहेगा। आज पाकिस्तान इंडस्ट्री में से एक बहुत ही बड़ा नाम फिल्म साजी की दुनिया में और हिदायतकारी की दुनिया में मसूद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में। ख्वाजा साहब मजीद देखिए जी, आज हम लकी इसलिए हैं, ये प्रोग्राम इसलिए हिट है कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो भी यहाँ आते हैं, जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिनकी इतनी सारी फिल्में होती हैं, देखिए जिस तरह के 70% इनकी फिल्में सुपर हिट थी। मैं अब आपको बारी बारी बताता जाऊँगा वो फिल्में कौन कौन सी थी जो कि ब्लॉकबस्टर्स है। जग्गा 1985 की अंजुमन सुल्तान राही, कैदी 1986 सुल्तान राही अंजुमन, दारा बलोच 1983 सुल्तान राही अंजुमन, मलंगा 1990, माजू 1992, बाबा पीरेदा 1994, सखी बादशाह 1996, चिराग बाली 1991 और मैडम नूरजहां की आखिर गाना 1996 में सखी बादशाह का। और आज उनसे ये पूछेंगे ये हिस्टोरिक गाना कैसे बना था, बिल्कुल, और फिल्म भी बहुत अच्छी थी सखी बादशाह, उसमें गाने भी बहुत अच्छे थे और कास्ट के बारे में भी। तो सर कुछ बताइए इस फिल्म के बारे में। खाया साहब आपने क्या बातें याद करा दी, मैडम नूरजहां को याद करा दिया। तो किस्सा ये है कि जब ये गाना मैं रिकॉर्ड करने लगा तो मैडम आई, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार थी, बड़ी मुश्किल से आई, वो गाड़ी में बैठी, उन्होंने बाहर मुझे बनाया, वॉकर रूम से मैं आया तो मैंने कहा मैडम अंदर है, कहते सूदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहा मैडम ये गाना तो आपने किसी और से ले लें। मैं कहा नहीं, ये आपने गाना है, आपके लिए गाना बना है, की दम दा भरोसा यार दम आवे ना। बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी से निकाल कर उनको लाया, तो तकलीफ में थी। उन्होंने एक एक लाइन गाई और रदरीस भट्टी साहब उसके रिकॉर्डिस्ट थे, उन्होंने एडिट किया उनको। बहरहाल हमने वो जो गाना वो 10 मिनट में गाती थी उस दिन, हमने वो गाना कम से कम 3-4 घंटों में वो रिकॉर्ड किया और एक एक लाइन की और एक एक लाइन को एडिट किया तो वो गाना बना। देखिए कितने लकी हैं कि वो आवाज़ इतनी अच्छी इसमें आई है, उनकी क्वालिटी बिल्कुल लगता है कोई यंग नूरजहां गा रही हैं। और आखिरी गाना था ये 96 और वो गाना जब ये रिकॉर्ड कर लिया तो मैंने सुल्तान राही साहब को गाना सुनाया, मैंने कहा राही साहब ये गाना करना है 2-3 दिनों बाद। उन्होंने गाना सुना तो वो खाया साहब, उन्होंने मुझे कहा, उस वक्त टेप सिस्टम था गाड़ी में ना, टेप चलती थी, उन्होंने मुझे कहा कि ये गाना मुझे ए साइड पे भी पूरा कर दो, बी साइड पे पूरा कर दो। मैं कहा राही साहब यह गाना 10 वारी इधर सुनना जे, 10 वारी उधर सुनना जे, कहने नहीं नहीं बस तू मैनू कर दे, मैनू बड़ा गाना पसंद है। तो जब गाना पिक्चराइज गा रहे थे, राही साहब ने बड़ा इन्वॉल्व होकर ना वो गाने को शूट करवाया, वो भी आखिरी फिल्म थी उनकी, तो जब मैं फिल्म का क्लाइमेक्स कर रहा था ना तो ये गाना एंड पे ओवरलैप होना था। राही साहब की उस फिल्म में डेथ थी, वो डेथ हो जाती है तो मुझे कहते हैं कि एक मजार के बाहर हम शूटिंग कर रहे थे पिंड रहियां, कहते थे कि इसके बाद यार ये जूम ले जाना इस गुम्बद पे, मैं इसमें अंदर दफन हुआ हूँ। उनकी कब्र आज भी एक बुजुर्ग हैं उनके गुम्बद में अंदर है, ये उनकी ख्वाहिश है। तो ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये कुदरत की तरफ से ना बात हो रही थी, काम हो रहा था, अल्लाह ये करवा रहा था गाने का सुनना। ये गाना जब मैं इंडोर कर रहा था तो रात के 3 बज गए, तो साइमा चले जाती थी 2-2.5 बजे, तो मुझे कहती है सीन हो गया है गाने का पोर्शन कल करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो राय साहब ने उसकी बाजू पकड़ लिया, कहने ठहरो भाई किधर जा रही हो, कहती है राय साहब 3 बज गए हैं और ये, उन्होंने कहा ये गाने का पोर्शन भी करो बाकी का, ये मूड बना हुआ है मेरा, ये सीन किया उससे पहले बड़ा जबरदस्त सीन था गाने से पहले का एंड वाले पोर्शन का। उन्होंने कहा राय साहब देखें 3 बज गए हैं, सुबह फलानी शूटिंग है तो ये तो सुबह ये गाना खत्म करते 8 बजा देंगे, कहते नहीं 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 एक मूड बना हुआ है 4-5 बजे तक खत्म हो जाएगा, करो करो। राही साहब ने पकड़ के उसको शूटिंग करवाई, बज तो सुबह के 8 ही गए हमारे गाना खत्म करते करते, लेकिन वो एक ही मूड में राही साहब ने काम करवाया, गाना करवाया, आज वो गाना हिस्टोरिक हो गई। फिर उनकी डेथ हो गई, अभी मेरी फिल्म लगी नहीं थी, फिर मैं खुद तो नहीं गया, मैं क्योंकि मेरा राही साहब के साथ जो ताल्लुक था, मुझे बेटा कहते थे और बहुत प्यार करते थे, मैं देख नहीं सकता था उनके जनाजे को पिक्चराइज करूँ, तो मुझे जरूरत पड़ गई, मैंने कहा उनका जनाजा भी पिक्चराइज करते हैं क्योंकि फिल्म के एंड पे लगाएंगे, अभी फिल्म लगने वाली थी। अच्छा, तो राही साहब की डेथ हो गई थी। फिर मैंने अपने असिस्टेंट को भेजा कि यार जाओ ये
ये शॉर्ट लो जनाजे के और उनकी कब्र के उतरने तक, फिर मैंने वो शॉर्ट भी लगाए, वो फिल्म एक साल शबस्तान सेन में सफर हासिल है। अच्छा, फिल्टर आपके हाथ में, क्यों नहीं गाना? हम इसी गाने की तरफ बढ़ते हैं। की दम दा भरोसा, की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, छड झगड़े ते करिए प्यार, दम आवे ना। वेलकम बैक, आप सुन रहे थे सुल्तान राही की लास्ट मूवी का ये गाना, जो कि बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट मूवी थी, और उस मूवी का ये गाना भी, और मैडम का भी आखिरी गाना, मैडम का भी आखिरी गाना, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से लिंक करती हैं बातें, और लोगों के लिए इसलिए भी खास हो गया चूंकि उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हात थे और आखिरी गाना था। मसूद भट्ट साहब चूंकि यहाँ मौजूद हैं और बात हो रही है इनकी तमाम की तमाम हिट मूवीज की, जो इन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्री को दी और हमारे पाकिस्तान का ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में हिदायतकारी के थ्रू नाम रोशन किया। सो इन्हीं की एक और मूवी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं किस तरह से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, सुनो लिखिए स्पेस, दीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम, मैसेज टाइप कीजिए, भेज दीजिए 881 पर, फेसबुक /सुनो पाकिस्तान और मेलोडी टाइम लाइव स्टेटस पर आप लोग कर सकते हैं कमेंट्स। अच्छा जी, कुछ कमेंट्स को भी हम कल सब शामिल करते चलते हैं। मलाखिल ने हमें ज्वाइन किया हमारे पेज पर और पसंद कर रहे हैं शो को, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट किया आपने। मसूद भट्ट साहब को सलाम, और अली हसन भट्ट ने वेलकम कहा है आपको मसूद भट्ट। और इसके अलावा जनाब हमें राजा नसीर ने ज्वाइन किया है, खालिद मुल्तानी, एहतशाम दिलावर, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने हमें पेज पर ज्वाइन किया है। बात करते हैं हम नेक्स्ट मूवी 1999, एक फिल्म है निक्की जिहा, और बहुत हिट भी थी फिल्म, बड़ी अच्छी थी। इसमें एक गाना जो था, अगर आपको याद हो, अज़रा जहाँ का गोरे दामन्दे दुपट्टा छा करके, इस मूवी के हवाले से। जी जरूर जी जी, भट्ट साहब बताइए जरा, अहमद राय साहब ने ये लिखा था, उसके बारे में जरा बताइएगा कुछ। राय साहब भी एक हिस्ट्री थे, उनका भी नाम रहती दुनिया तक रहेगा पंजाबी में, जो उन्होंने एक अपनी कंट्रीब्यूशन है उनकी। ये गाना जब निक्की जिहां का लिखना था तो खाय साहब, राय साहब बहुत बीमार हो गए, फैमिली हॉस्पिटल में वो दाखिल हो गए मजंग में। अभी गाना ये एक लाइन ही थी हमारे पास, गोरे रंग दे दुपट्टे नी छा कर। तो जब जुल्फकार को मैंने कहा यार ये गाना, तो उन्होंने बताया कि वो तो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए हैं। तो मैं उनकी खबर लेने गया, तो मैंने खबर भी ली, बैठा भी रहा, तो फिर मैंने उनको कहा खाय साहब ये राय साहब ये गाना, कहते हैं यार सूदी मैं नहीं लिख सकता, किसी और से लिखा दो, मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं कह नहीं राय साहब, एक ही गाना उसका में उसका था उनका, वो ये भी उनकी जिंदगी का आखिरी गाना था। उसके बाद मैंने वो प्रोफेसर की रूबी साहब से गाने लिखवाए बाकी के। तो बड़ा मैंने ना रोज हॉस्पिटल जाना, उन्होंने एक लाइन लिख देनी, रोज हॉस्पिटल जाना, उन्होंने एक लाइन देनी। 10-12 दिन मैं मुसलसल हॉस्पिटल जाता रहा, और वो गाना उन्होंने कम्प्लीट करके दे दिया। और फिर जब मैं लेकर आ गया, गाना रिकॉर्ड कर लिया, तो बड़ा माशाल्लाह जबरदस्त गाना गोरे रंग दे दुपट्टे, मुझे तो बड़ा पसंद। और जब इसकी ही एक और मैं बखाय साहब आपको बात बता दूं, जब इसकी पिक्चराइजेशन की बारी आई तो रीमा ने कहा मेरे पे हो जी, मुझे याद आ गया, उसने रफड़ डाल दिया खाय साहब, सज्जाद गुल साहब को उसने जाके। मैंने कहा नहीं रीमा, ये सिचुएशन बनती है सैमा की, अला रीमा हमारे ज्यादा करीब थी जी जी। मैंने कहा रीमा ये सिचुएशन सैमा की है, ये गाना उस पे होगा, कहते नहीं मैंने करना है, मुझ पे करो ये। उसने जाकर सज्जाद गुल साहब को कह दिया, प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार कोई सूरत ऐसी हो सकती है। मैंने कहा नहीं सज्जाद साहब, ये गाना सैमा पे है, मैं अपने काम से बड़ा फेर आदमी हूँ, मैंने नहीं ये करना। अला मेरी रीमा के साथ ज्यादा दोस्ती है जी। लेकिन मैंने ये गाना जो है ना, ये सैमा पे मोहम्मद रन पे होगा। फिर उन्होंने मुझे सजा सर कहा यार ऐसा करो, दोनों पे आधा आधा कर दो। मैंने कहा नहीं सजा साहब, ये गाना सैमा पे। बहरहाल वो सैमा पे गाना किया हमने, वो एक जगह है बलवाल, उसके पास मोटरवे से जाते हैं, तो बलवाल आता है, तो वहां पे कोट हाकम जी एक जगह है, वहां पे मैंने ये गाना शूट किया और फिल्म में फिर लगा। फिर जाहिर है फिर लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, पसंद किया। लेकिन मजे की बात यह है और तारीखी बात यह है कि ये गाना भी खाया सा अपना अहमद राय साहब की जिंदगी का आखिरी। और जनाब तो इसी गाने की तरफ बढ़ते हैं, दिल लहजा निकी जई हां करके। वेलकम बैक, दिल लहजा निकी जई हां करके। वो निकी जी हां कराना कितना मुश्किल था आपका, आपके लिए मसूद भट्ट साहब? दो एक्ट्रेसों के दरमियान वो बस अपना ऐसे ही है कि काम है ना, ये काम में तो फिर ऐसी हैं
बातें होती रहती हैं। हाँ, बड़ी लंबी हाँ होगी। हाँ होगी और फिर लंबी चली भी हो, उसने रिकॉर्ड कैम किया अपने टाइम में। देखे इसके इनका कितने ये लकी है, साइमा, रीमा, और अब जो गाना आ रहा है ना अंजुमन पे पिक्चराइज, वो हुआ वह है और वो गाना बहुत अच्छा है मैडम का। मतलब कौन सा गाना, कैदी फिल्म का गाना है, 1986 की फिल्म थी, बल्कि इनसे पूछेंगे भी, ख्वाजा परवेज साहब ने लिखा था। सर बताइए, माही आवेगा मैं फुल्ला नल तत्ती से, इस गाने की ना फरमाइश भी आएगी बिल्कुल जी। बट साहब, ख्वाजा साहब, माही आवेगा मैं फुल्ला नल तत्ती से जाऊंगी, मैंने ये मेरे घर के पास ही घर था, मियां फरजान साहब लकी रानी सर्कस वाले। जी जी। तो मैं अपने घर से निकला, गाड़ी में किसी फिल्म की शूटिंग पे जा रहा था, तो मियां साहब अपने घर के बाहर खड़े ना, पानी बाहर सड़क को लगा रहे थे। मैंने खड़ा हो गया, मैंने उनको सलाम किया, तो वो कहते हैं किधर जा रहे हो? मैंने कहा शूटिंग कर रहा हूँ मैं शान मुस्तफा की फिल्म की। तो उन्होंने कहा यार मेरी फिल्म नहीं बनाते, तीन चार डायरेक्टरों का नाम लिया, तो रात को आओ मेरे पास। मैं भी गया उनके पास रात को उनके डेरे पे, उन्होंने मुझे 5,000 दिया, तो उन्होंने कहा कल तुम भी ना आना। मैंने कहा जी मैं क्यों ना आऊँ? कहता साहब डायरेक्टर पैसे ले गए, कोई नहीं, दोबारा वो फिल्म साइन हो गई। मियाँ साहब ने, मियाँ फरजान साहब ने, अल्लाह उनको जन्नत दे, मुझे कहा कि यार सारी टीम तेरी, एक बंदा मेरा नज़ीर अली। मैं कहा नहीं मियाँ साहब, मैं वजाहत अख्तर ने म्यूजिक डायरेक्टर लेना, क्योंकि मेरी दारा बलोच और कर्ज का बड़ा म्यूजिक हिट हुआ था। उन्होंने कहा यार मेरी खातर, बहरहाल उन्होंने, मैंने बात उनकी मान ली, लेकिन दिल से नहीं। मैंने कहा उनको कट कर दूंगा गाना सुनते ना, जब वो गाना बनाएंगे कट कर दूंगा, एक मेरे पास इख्तियार तो था, मैं कहा उसका नजायज इस्तेमाल करूंगा। अच्छा। मियां साहब के घर पे इकबाल टाउन पे उनका डेरा था, वहां बैठे तो नज़ीर अली आ गए, तो ख्वाजा परवेज भी आ गए। इन्होंने ये सताई, देखें ये जो ईमानदारी की बात है, पहले बनाई हुई थी, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इन्होंने सताई बनाई हुई थी, तो मैं आया तो नज़ीर अली बैठा था, उसका ढोलक वाला चीमा था, मियाँ फरजान साहब थे, हमारे एडिटर थे एक जमीर कमर साहब, वो थे, और मैं ऐसा सोफे पे बैठा हूँ, सामने नज़ीरे ने अपना बाजा वगैरह खोला। उन्होंने कहा मुझे, भट्ट साहब मुझे पता है आप मुझे म्यूजिक डायरेक्टर नहीं लेना चाहते, आप किसी और को लेना चाहते हैं, चलो आपकी टीम है, आपने सही सोचा। सही। लेकिन ये गाना है, मैंने कई डायरेक्टरों को सुनाया है, उन्होंने 5-7 बड़े बड़े डायरेक्टरों के नाम लिए। अच्छा। ये किसी ने रिकमेंड नहीं किया, सब ने कहा यार है कि फुलाना धरती से जाऊंगी, कौन से जाएगा। देखे मुझे उन्होंने, मैं ऐसे बैठा था सोफे पे, तो मुझे उन्होंने गाना सुनाया माही आवेगा मैं फुलाना, तो मैं ऐसे ऐसे ना पीछे हटा, मुझे गाना बड़ा अच्छा लगा खाई साहब। मैंने कहा दोबारा सुनाओ, उसने दोबारा सुनाया, मैंने कहा ओके आप ही म्यूजिक डायरेक्टर है। वो गाना अच्छा, जब ये तो गाना हो गया, रिकॉर्ड कर लिया, बड़ी दादे मिली, ये वो, जब गाने की पिक्चराइजेशन आई, वाह वाह फूल है, तो ख्वाजा साहब, ये आपको मजे की बात बताता हूँ, वो मियाँ साहब के थे असलम चौरी साहब रिकॉर्डिस्ट, वो उनकी लुक आफ्टर करते थे फिल्म, शबाब स्टूडियो में मैं गाना गा रहा था, मैंने उनको रात को कहा जी सुबह 8 बजे मुझे कोई 5-6 मन पत्तियाँ चाहिए गुलाब की। उन्होंने कहा ठीक है जी, सुबह मैं गया सेट पे, तो पत्तियाँ आ गई, वो बिछाई लगाई तो कम पड़ गई। मैंने कहा चौरी साहब पत्तियाँ कम पड़ गई हैं, अभी राही साहब अंजुमन ने आना है, 9 बजे हैं, आप ले आए जितने भी मिलते हैं, और ले आए वो, आधे घंटे घंटे के बाद आ गए वहां से, वो भी मैंने लगा ली। मैंने कहा और लाए? उन्होंने कहा भट्ट साहब पूरे लाहौर चो पत्तियां ले आए, पत्तियां मुक गई हैं। पत्तियां मुक गई ने, होर कुछ नहीं गया। तो वो पहले दिन वहां पे शूटिंग की, नेक्स्ट डे पूरे लाहौर से, पूरा लाहौर जहां जहां ये फूल बिकते थे, लोहारी, ये अपना मियाँ मियानी साहब कब्रस्तान, ये गुरजी, वो मियाँ मीर साहब, और वो वहां पे बड़े मियाँ जहां जहां ये फूल बिकते थे ना, वो वहां वहां हमेश ले आए आए साहब वहां से। फिर उन्होंने कहा सारे लाहौर की पत्तियां मिले हूँ। ये 3 दिन में हमने गाना किया, और तीनों दिन लाहौर की जितनी पत्तियां थी मैंने उस गाने पे इस्तेमाल की, और इंशाल्लाह मेहरबानी से ये गाना सुपर हिट हुआ। मैं एक बात आप उसको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं शूटिंग कर रहा था 1 नंबर फ्लोर में शाहनूर में ना, वहां पे सेट लगा हुआ था इसका, एक पोर्शन था गाने का, तो कैफी साहब ना सेट पे आ गए, अभी फूलों में ना उसको अंदर दफन किया हुआ था अंजुमन को, राय साहब बैठे थे और एक पीस था ट्रक, उस पर उसने बाहर निकलना था, कैफी साहब सेट पे आ गए, सीनियर मोस्ट आर्मी थे, मैंने उनको सलाम किया, मैंने कहा कहते ने यार वो तेरे सेट से अंजुमन आई सी, वो कितने गई है? मैं कहा जी वो तो अजे नहीं आए, वो यार मैंने बाहर मिली है, कहती मैं सूदी के सैट से जा रही हूँ, तो कोई डेटा की गल करनी थी, तो वो कहती भी उत्थे आ जाओ, तो मैंने झूठ देगा कि होर पास चली गई है, तो आई नहीं। मैं कहा चलो कैफी साहब नहीं आई तो उन्होंने की किया जाए, चलो
मिल लेना तुसी किधर और मिल लेना। मैं क्या गाने का शॉट लवो, सीनियर मोस्ट आदमी थे जी, उन्होंने प्लेबैक स्टार्ट करवाई तो गाने का बोल चलिया, क्रेन पे टॉप पे कैमरा था, उन्होंने वो बोल आया जब उन्होंने दिल वाले रंगले पलंग ते पठावांगी, कैमरा डॉन आया तो जब आया ना टर्रक तो उसमें से अंजुमन निकली फूलों से ऐसे तो कैफी साहब ने ऐसे मुझे देखा, ऐसे मेरे साथ खड़े थे ऐसे देखा, उन्होंने वहां पे शॉट चला थे ऐसे ऐसे ना हल्की हल्की क्लैप की दाद दी मुझे, शॉट कट हुआ तो मुझे जफी डाली कैफी साहब ने, मेरा मुंह चुम होने का यार सुधी बड़ा जबरदस्त शॉट लिया, मीचो साहब भी थे वहां पे मेरे कैमरा में, मेरे हमना वो भी थे सब, बड़ी दादी उन्होंने कैफी साहब ने 500 का नोट निकाला और मुझे इनाम दिया। अरे यार मैं तो अंजुमन दा अपना प्यादा, तू ओनू उठे तफर की कढ़या विचों तू तो ऐसे। अच्छा एक सवाल आपसे, मैं चूंकि मेरी सारी ये दोस्तें हैं, रीमा भी हो गई, अंजुमन भी और साइमा भी, ये बताइए सबसे अच्छी डांसर कौन है जो पिक्चराइज गाना जो अभी जिस देखे बताइए। जी जी मैं देखे मैं आप एक नाम उसमें भूल गए हैं, नरगस जी, जी 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 बिल्कुल, वो भी एक नाम है फिल्म इंडस्ट्री का और डांस का, ये वो नरगस रीमा सैमा अंजो जी जी अंजुमन। देखे अंजुमन का एक अपना स्टाइल था, उसका फेस एक्सप्रेशन था जो किसी के पास नहीं, किसी के पास बिल्कुल सही, अंजुमन ने उस फेस एक्सप्रेशन से अपने आप को मनवाया, डांस भी किया और छह छह गाने, एक एक्ट्रेस होती थी ये छह गाने अंजुमन भी होते थे, छह गानों में लोग बड़क मारते थे, ये उसका क्रेडिट है बिल्कुल। उसके बाद सैमा आ गई, सैमा का अंदाज अपना था, उसको इतनी डांस की तरबियत नहीं थी लेकिन इसके बावजूद भी उसने जो अपना अंदाज अपनाया सैमा ने, उसका भी कोई अपने तौर पे कोई जोड़ नहीं। फिर आ गई रीमा जी, तो रीमा को डांस पे इतना अबूर था जो किसी पे नहीं था, उसने अपने डांस के जोर पे, अपने शौक पे जोर पे, उसने अपने ड्रेसेस के जोर पे अपने आप को मनवाया कि ये काम ये होता है। नरगस के मुतालिक मुझे अंजुमन ने पेशन गोई की थी जनरल रानी के सेट पे जो मैं फिल्म बना रहा था, तो ये अंजुमन उसका रीमा और नरगस का मैं गाना पिछड़ाई कर रहा था, मैं चीज बनी है मस्त मस्त, तो वहां पे अंजुमन के आगे ये मुजरा कारी थी दोनों, तो अंजुमन ने मुझे बाकर इधर आए बात सुने भट्ट साहब ये लड़की पकड़ी नहीं जाएगी, ये हीरोइन बनेगी, इसको आने वाला वक्त इसका है, नरगस के मतलब मुझे उसने कहा। और फिर देखे फिर नरगस ने भी आई जब, तो उसने अपना मनवाया, उसने अंजुमन को कॉपी किया एक्सप्रेशन वाइज फेस एक्सप्रेशन पे, और उसने भी नरगस ने भी अपना बाहर आ ये चिंती चारों सबकी अपना दास इस वक्त तो अंजू का गाना चलाओ भाई। बिल्कुल जनाब, और माही आवेगा मैं फूला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, सुना मैं पखियां चलांगी फिर बड़ा कुछ कहन गया पखियां, तो चलिए चलकर सुनते हैं जनाब। वेलकम बैक, और जनाब फूलों की पत्तियां भी बिछ गई, माही आ भी गया और माही इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, मसूद भट्ट जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम और हिदायतकारी की दुनिया में अपनी पहचान आप इस वक्त मौजूद हैं जनाब लाहौर स्टूडियो में, काजल नजमुल हसन और अमीशा आपसे मुखातिब, दो से चार रहता है हमारा और आपका खूबसूरत साथ, और आप देते हैं अपना होने का एहसास अपने SMS और कमेंट्स के थ्रू, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, सुनो लिखिए, स्पेस दीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम, मैसेज टाइप कीजिए, भेज दीजिए 8881 पर, फेसबुक स्लैश सुनो पाकिस्तान और मेलोडी टाइम लाइव स्टेटस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मसूद भट्ट से इनकी किसी भी फिल्म की किसी गाने की फरमाइश कर सकते हैं, इनकी कोई फिल्म आपको बहुत पसंद है तो आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं। अच्छा ये वो लोग हैं जो पर्दा स्क्रीन के पीछे होते हैं और आज पहली दफा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बिल्कुल, और वो सारी चीजें जो हम एक्टर और एक्ट्रेसेस को देखते हैं सिर्फ स्क्रीन पर और जिस तरह से वो चमक रहे होते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसके पीछे का जो राज होता है वो हिदायतकारी। आज इन्होंने पोल खोल दी है ना, बिल्कुल सही बात है। मैसेजेस की जानिब भी मैं पढ़ूंगी ख्वाजा साहब और कमेंट्स की जानिब भी, क्योंकि बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमें शो में और पसंद भी कर रहे हैं, सो आप लोगों के कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं हमें। सऊद असलम ने ज्वाइन किया है हमारे फेसबुक के पेज पर, बहुत शुक्रिया सऊद, और शो में वेलकम कह रहे हैं मसूद भट्ट साहब को। इसके अलावा रबी खान है और आपने कहा कि मेलोडी टाइम में हर बार एक नया सितारा हमारी फरमाइश पे आप लेकर आते हैं हमेशा, और ख्वाजा नजम थैंक यू सो मच। ख्वाजा साहब आपको खालिद मुल्तानी ने सलाम कहा है, चौधरी बिलाल बड़ाइच हमें देख रहे हैं इस वक्त फेसबुक के पेज पर। गजनफर खान मराल आपका बहुत शुक्रिया अप्रिशिएट करने के लिए, और अलीशा ने कहा है कि मसूद भट्ट की हिदायतकारी में बनी हुई अपनी पसंदीदा फिल्म कौन सी है।
अच्छा पहले तो अब मैं आपको बताता चलूं, मुसर्रत नज़ीर जब उनकी फिल्म 62 में वो चली गई थी सिनेमा छोड़ के फिल्म इंडस्ट्री, तो उसके बाद वो वापस 80s में आई, तो वो शी वांटेड टू बिकम अ सिंगर, तो मैंने शादी ब्याह के गीत किए उनसे और एक उनका था लॉन्ग गवाचा, बहुत पॉपुलर हुआ 80s की बात है। अच्छा अब ये लॉन्ग उनका गवाचा जो था वो कभी नहीं मिला, कभी मिला नहीं उनको, और उसी गम में वो अमेरिका चली गई, कनाडा चली गई, बल्कि उनके मियां ने एक दिन कहा कि हमें क्या फायदा हुआ, अब ये सुनना था, तो मुसर्रत को गुस्सा चढ़ गया और वो चली गई वापस फिर नहीं आई वहां से। अब इस लॉन्ग गवाचे का हम मेरे ख्याल है इनसे पूछा जाए भट साहब से कि ये कैसे इनको मिल गया और ये फिल्म में कैसे हिट हुआ, और वो भी मैडम नूरजहां। जी सर बताइए कुछ। ऐसा ये भी एक हर मैं जो जितनी भी आप बातें पूछ रही हैं ना मुझसे, इनके पीछे एक स्टोरी है जी जो किसी ने आज तक नहीं मुझसे पूछी। आप बड़े जहां दीदा हैं और बड़े अपने काम में शार्प हैं, आपने हर स्टोरी मुझसे उगलवा ली और अपना काफी अपना टाइम इसमें आप खर्च करके मुझे यूज किया आपने, और अच्छा किया, ये मुझे खुशी हुई है आपके साथ इंटरव्यू करते हुए। ये गाना मैंने ना सुना किसी रिकॉर्डिंग पे ना, ये कैसेट पे जी। अच्छा। मुझे गाना बड़ा अच्छा लगा, मैंने ख्वाजा साहब को कहा, मैंने कहा ख्वाजा ये मुझे अल्लाह रखा फिल्म के लिए मुजरा बना दे, पता नहीं किसका लिखा, उन्होंने कहा मेरा ही लिखा है वो गाना, एक अलहदा स्टोरी और भी है, ऐद चौहरी साहब ने सुना, उन्होंने कर लिया। बहरहाल जब मैडम को कहा, एम अशरफ साहब ने गाना बनाया, तो उन्हें कहा मैडम ने मैं लोगों के झूठे गाने कर दिए फिर नहीं हाँ, मैं नहीं करना, कौन गाना है ऐ मुसर्रत जी का गाना है, वो कौन लोगो, मैं नहीं गाना। मैं मैडम ने मिले, मैं कहा मैडम जी मैं तुहाडे बगैर काम नहीं करता, तो मैं ही बेहतर समझना तुम अच्छा गाओगे, नहीं सूदी मैं नहीं करना, मैं किसी का झूठा गाना करा, दुनिया मेरे गाने गाँदी है तो मैं किसी के गाने गावा, ना वो सिंगर ना कोई ना वो ये वो। मैडम ने किसी जगह पर मेरी बात पहली बार रिजेक्ट की, नहीं मानी, तो मैंने यूसुफ खान साहब को कहा, मैंने कहा खान साहब ये बात है मैडम ने, क्यों नहीं गाएगी, मैं कह जी वो गाँधी ने, उन्हें कहा रखो कर रिकॉर्डिंग, मैं आप आवाँगा उत्थे, तो वो गाएगी कल ही आएगी, वो खान साहब के दिल चले गए उन्होंने घर, मैं नहीं पता। उन्होंने जाके क्या, पहले उन्हें खान साहब ने भी टड़खाया मैडम ने, उन्हें कहा नहीं नहीं तू गाना गाना है, मैं तेन कहता सवेरे 9 बजे पहुँच जाइ, मैं भी पहुँच जावगा AM स्टूडियो। खान साहब 9 बजे आ गए, जो कभी नहीं आने वाले, 2 बजे से पहले शूटिंग पे, 9 बजे खान साहब आ गए, 9:30 मैडम आ गई, तो मैं ना करीब ही रहता था अपना मोनी रोड पे मेरा घर था, तो मैं बड़ा आराम से ना 10:30 बजे मैं आया हूँ स्टूडियो, तो मेरे सिस्टर ने मैंने देखा खान साहब की गाड़ी खड़ी है मैडम की, मैं क्या इन्होंने क्यों हो गया, 10:15 हुए ने, मेरा असिस्टेंट आ गया चीफ असिस्टेंट मेरा, कहते हैं भट्ट साहब 9 बजे दे खान साहब आए ने, 9:30 बजे मैडम आ गई, ताड़ा बार बार पूछते पे ने, तो तुम, मैं यार मैंने तो पता नहीं, वो मोबाइल का दौर नहीं था। बहरहाल मैं जब हाल में गया तो खान साहब, वो यार कितने था तू, मैं कहा जो सैट लगता पाया सी, तो मैं सैट लुआ रहा था, तो उतों आया हूँ मैं, तो मैडम कहती है, मैडम कहते हैं सूदी तू बात नहीं ना आया, खान साहब भेजता है, मैं कहा जी फिर तुम मेरी नहीं सुनी, तो फिर इन्होंने तो सुननी सी। बहरहाल उन्होंने गाना गाया, कंपोजर कौन था, ओ एम अशरफ। अच्छा ये वजीर अफजल ने किया था, अच्छा वजीर अफजल ने किया था, लेकिन हमारी तरफ से उन्होंने एम अशरफ ने बनाया ये गाना, फिर अंजुमन पे किया लॉन्ग वाचा, फिर मैंने सेट लगवाए ये वो। बहरहाल बड़ा अच्छा भी गाना, वो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया फिल्म में भी और वैसे। तो चलिए जनाब फिर इतना सुपर हिट गाना हम सुनाते हैं दोबारा से, आप लोगों की मेमोरीज को रिफ्रेश करते हैं। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई, चीने वाले वेखदा आई में मेरा लॉन्ग गवाचा। जी जनाब खुश आमदीद मरहबा, आप सुन रहे हैं अमीशा और ख्वाजा नजमुल हसन को लाहौर स्टूडियो में। मेलोडी टाइम जनाब आप लोगों की समातों से टकरा रही है, जो आवाज़ आज जो फिल्मी दुनिया से वो है मसूद बट, और हिदायतकारी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है जनाब, और उनके क्रेडिट पे पाकिस्तान इंडस्ट्री की जितनी भी टॉप सुपर डुपर मूवीज हैं वो सारी की सारी इनके क्रेडिट पे जाती है। आप लोग पार्टिसिपेट करें अपने SMS और कमेंट्स के थ्रू, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, सुनो लिखिए स्पेस दीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम, मैसेज टाइप कीजिए भेज दीजिए 8881 पर, फेसबुक स्लैश सुनो पाकिस्तान और मेलोडी टाइम लाइव स्टेटस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ शो का हिस्सा बन सकते हैं। खाजा साहब कुछ मैसेजेस को भी हम शामिल करेंगे साथ साथ, वकास ने हमें चीचा वतनी से मैसेज किया है, काफी
दूर से और पसंद कर रहे हैं मेलोडी टाइम को, आपको वेलकम कहा है मसूद भट्ट साहब, और इसके अलावा हमें गोल्डन जूबली पे मुबारकबाद पेश की है अरसलान तुफैल ने, हमें ज्वाइन किया है बहुत शुक्रिया। और अरसलान ने फरमाइश की है कि मसूद भट्ट का फेवरेट गाना कौन सा है इनकी किसी फिल्म का, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके। नवीद गुज्जर ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच, और कह रहे हैं इन्होंने भी यही फरमाइश की है कि आप अपनी फेवरेट मूवी का, और अलीशा ने अभी पूछा था तो मेरा ख्याल है कि आप पूछते हैं मसूद भट्ट साहब कि अलीशा ने और इन्होंने जो सवाल किया है कि आपकी जितनी भी मूवीज बनाई हुई हैं उसमें आपकी अपनी पसंदीदा फिल्म कौन सी है। बड़ा मुश्किल सा सवाल है ये खाया साहब और महेश, कि मेरी पसंद, लेकिन जाहिर है हर आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है जी, है भी, लेकिन मैं जो महसूस करता हूँ कि जो फिल्में मैंने जो डायरेक्ट की हैं उनमें से तो मुझे खुद नाम नहीं याद, इतनी अल्लाह की मेहरबानी है, इतनी हिट हैं लेकिन जो चार फिल्में जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद हैं उनमें एक नंबर है दारा बलोच, दूसरे नंबर पे हसीना 420, जंगल का कानून, सखी बादशाह और निकीजियाँ। ये फिल्में मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद हैं क्योंकि ये पांचों फिल्में डिफरेंट बहुत की थी, गानों के तो, तीन फिल्मों के तो गाने लगा दिए, हसीना 420 रह गई है। हसीना 420 के पीछे भी एक हिस्ट्री है जी। सजाद गुल साहब ने नीली को साइन कर लिया कि ये फिल्म बनानी है उस पर, तो मैंने ना इतराज किया, मैंने कहा सजाद साहब फिल्म का टाइटल है हसीना 420 तो वो बड़ा हैवी टाइटल है, ये नीली इसका बोझ नहीं उठा सकती, अच्छा तो अंजुमन को ले लेते हैं। उन्होंने कहा भट्ट साहब कितने पैसे लेगी अंजुमन, मैं कहा उस वक्त वो 60-70 हज़ार रुपये लेती थी, मैंने कहा वो 60 हज़ार रुपये लेती है लेकिन मैं 50 में कर लूँगा। उन्होंने कहा मैंने 5 हज़ार रुपया नीली को दिया है, आप 5 हज़ार की उसको कर लें तो उसको ले लें। उन्हें पता था कि ना वो करेगी ना होगी, सजाद साहब नीली पे इंसिस्ट कर रहे थे मुझे, मैंने फिर कहा बहुत आई, मैंने कहा सजाद साहब ये तो ना करने वाली बात है आपने तो, उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं उसको इतने पैसे दूंगा। वो यकीन कीजिएगा फिर मैं मान गया, मैंने कहा ठीक है जब प्रोड्यूसर कह रहे हैं सजाद साहब कह रहे हैं, तो पहली मेरी सैनमस को फिल्म थी, उस फिल्म में 87 में 3,80,000 रुपए के सिर्फ ड्रेस बने थे नीली के, जब डॉलर 10-15 रुपए का था, 3,80,000 रुपए के ड्रेसेस बना दिए। उन्होंने कहा मैं ड्रेसेस पे इतने पैसे लगा दूंगा, अंजुमन को नहीं लूंगा नीली को ही लूंगा। उन्होंने नीली को लिया और मैंने खुद पेमेंट की, वसीम थे जो ड्रेस डिजाइनर, उनके ड्रेस बनवाए थे, कोई बाजी बीजी थे बनवाए थे, तो 3,80,000 रुपए की पेमेंट मैंने अपने हाथ से की थी 87 में नीली के ड्रेसेस पर। उस पे फिर गाना आया लुको जाओ तारे हो अज दी रात, और उस पे मैंने 6 सेट लगवाए उस गाने के, तारों का दादा लगवाया, शादी वाले पोर्शन का दादा लगवाया, एक वो बर्फ का सेट लगवाया, जो जो आवाज आए वो खाया साहब मैंने उनका सेट लगवा कर वो गाना पिछाए किया। जब कभी को देखेंगे आप तो इंशाल्लाह ले जी अभी देखते हैं, हम चाहते हैं कि अभी हमारे लिसनर्स सुने, सो चलिए चलकर ये खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं और इसके बाद आते हैं वापस, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, इतना खूबसूरत सा गाना आपने सुना, और जो लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं वो हमें देख नहीं पा रहे हैं तो लेटर ऑन कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप आराम से ड्राइव कीजिए, अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचिए, लेकिन आप लोग हमें जब अपनी मंजिल पर पहुँच जाए तब फेसबुक पर देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त फेसबुक पर लाइव हैं हम लोग, और facebook.com/sunopakistan मेलोडी टाइम लाइव स्टेटस पर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और हमारी वीडियो के साथ भी आप कमेंट करके शो का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ जनाब आप लोग 881 पर भी मैसेजेस कर सकते हैं, हम साथ साथ वो भी शामिल कर रहे हैं। हम गुफ्तगु का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं मसूद भट्ट से मजीद। अच्छा, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा भट्ट साहब, ये बताइए अंजुमन और सुल्तान राही आपका ट्रेडमार्क था और तकरीबन तमाम फिल्मों में यही थे और ये फिल्में भी सुपरहिट थी, एक फिल्म आपकी माजू आई थी वो भी बहुत चली थी, उसके बारे में कुछ बताइए। भाई साहब अंजुमन और राही साहब ये दो उस वक्त के स्टार थे जी, स्टार, ये मैंने ये नहीं कि मैं कहूँ कि मैंने उन पर एहसान किया, नो, ये पब्लिक की डिमांड थी अंजुमन और राही साहब, पब्लिक की डिमांड को जेहन में रहते मैंने हमेशा कमर्शियल काम किया है, जिसकी ज़रूरत है पब्लिक को, जो पब्लिक देखना चाहती है, मैंने वही स्टार लिए हैं और उनके साथ काम किया और अल्लाह ने कामयाबी भी दी। माजू का जब ये काम फिल्म शुरू की हमने तो राही साहब बड़े मसरूफ़ थे, तो मैंने ना उनको ईद से कोई 1.5 महीना पहले कहा कि राही साहब मैंने फिल्म लगानी है ईद पर, यार इतना थोड़ा टाइम रह गया तुमने दस, बहरहाल वो मेरी बात मान जाते तो उन्होंने कहा लगा देंगे।
उसने उनका सेट लगाना शुरू हो गया अपने स्टूडियो में 6 नंबर फ्लोर में। तो मैं अपने ऑफिस के बाहर बैठा था तो उनका सेक्रेटरी शबाज था वो आ गया, कहते हैं राई साहब ला रहे हैं बाहर गाड़ी में। मैं गया तो उन्होंने यहाँ से कपड़ा उठा के मुझे लाया तो इतना बड़ा वो क्या पंजाबी में फोड़ा कहते हैं फिंसी इतनी बड़ी यहाँ पे, कहते हैं यार मैंने फिंस फोड़ा निकला है तो मैं तो इस्लामाबाद जा रहा तो पता नहीं किन्ने दिन लग जाएंगे तो धी तो तेरी फिल्म लगनी है तो या तू कैंसल कर दे सैट भी तुड़ा दे। मैं कह राई साहब सैट तो लगता पे यार मैं नहीं आ सकता मैंने बड़ी तकलीफ है मैं इस्लामाबाद जा रहा। मैं क्या क्योंकि मैं चले गए उन्होंने मेरी गल ही नहीं सुनी। मैं चुका के आके कमरे बैठ गया प्रोड्यूसर थे शाने मुसवा वो आ गए रात को क्या पोजिशन है सेट की। मैं क्या यार एस एस राई साहब यह गल कह गए थे फिर हम की करिए। मैं क्या 1.5 महीना इधर रह गया उन्होंने कहा 8-10 दिन मैं इस्लामाबाद इलाज कराऊंगा तो मैं क्या साढ़ा किस तरह काम बनेगा कोई गल नहीं। मैं क्या फिर की करिए उन्होंने मजबूरी है राई साहब तबीयत ठीक नहीं है चले गए वो बहरहाल वो हमने कहा सेट तुड़ा दे। वो सेट ना टूटा क्योंकि उस वक्त बड़े सेट लगते थे लेबर बड़ी मसरूफ थी वो सेट ना जिस दिन उन्होंने तोड़ना शुरू किया तो रात को ना उनका सेक्रेटरी आ गया शबाज बरसा। मैं कहा खैर है राई साहब ने कहा सुबह मैं 9 बजे पहुंच जाते कह मैं ना कमिटमेंट थे उन जैसा आदमी नहीं आना दुनिया में। उन्होंने कहा राई साहब ने कहा मैं सुबह 9 बजे पहुँच रहे हैं तुम अपनी शूटिंग शुरू करो। मैंने उसको आर्ट डायरेक्टर को बुलाया मैंने कहा सेट की पोजिशन गया उन्होंने अभी एक दीवार ही तोड़ी थी बाहर वो सेट लगाया तो राई साहब सुबह जनाब 9 बजे सेट पर गए यार मैं ठीक हो गया। तो मैं कहा यार हले वो जरा औखा काम ना करी फाइट ना करी 5-4 दिन कोई सख्त काम ना नसर भजना लाना गाने गुने कर लो स्टार्ट कर लो ईजी सीन जड़े ने कर लो तो उस तो बाद फिर जनाब राई साहब आ गए सुबह उन्होंने काम शुरू किया 1 महीना 3 दिन के बीच मेरी उन्होंने फिल्म मुकई और फिल्म ने क्या पीछे हट जाओ सुपर हिट और इसी फिल्म का एक खूबसूरत सा ट्रैक आप लोगों को सुना है और इसके बाद आते हैं वापस हमारे साथ रहे। जी जनाब आप सुन रहे हैं मेलोडी टाइम में मसूद बट और उनकी बनाई हुई खूबसूरत फिल्में और वो तमाम के तमाम खूबसूरत गाने जो सुपर डुपर हिट गए अपने दौर के सुपर हिट मूवीज के सुपर हिट गाने आप सुन रहे हैं मेलोडी टाइम में लाहौर स्टूडियो से हमीशा और ख्वाजा नजमुल हसन आपके साथ। जनाब 2 से 4 दोपहर के इन खूबसूरत लम्हात में हम आपके लिए लेकर आते हैं कोई ना कोई पाकिस्तान इंडस्ट्री का खूबसूरत सितारा जिनको आप हमेशा सिल्वर स्क्रीन या टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं। अब आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं facebook.com/sunopakistan मेलोडी टाइम लाइव स्टेटस पर कमेंट कर सकते हैं या आप हमारी वीडियो पे कमेंट करके शो का हिस्सा बन सकते हैं। 888-1 पर आप लोग मैसेजेस करते हैं अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर सुनो लिखिए स्पेस दीजिए अपना नाम अपने शहर का नाम मैसेज टाइप कीजिए भेज दीजिए 888-1 पर। खैर साहब कुछ मैसेजेस को भी हम शामिल करते हैं साथ साथ हमें लैला खान ने ज्वाइन किया है शो में और पसंद कर रहे हैं शो को बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमें आतिफ गुलजार ने ज्वाइन किया है मसूद बट को वेलकम कहा है और आपकी फेवरेट फिल्म के हवाले से गुफ्तगू हुई है फेवरेट एक्ट्रेस के हवाले से गुफ्तगू हुई है ठीक है फेवरेट उन्होंने बता तो दिया कि मतलब हर अदाकारा का एक अपना चार्म है सो फेवरेट एक्ट्रेस के हवाले से भी उन्होंने बता दिया। फारूक ने हमें गिलगित से मैसेज किया है और इसके अलावा हमें शाहजेब ने मैसेज किया है और गज़ल ने फरुखाबाद से मैसेज किया है। थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं हम साथ साथ उनको भी गुफ्तगू का सिलसिला। अच्छा वक्त देखिए कैसे बदलता है कहा मैडम थी और फिर उन्होंने छोड़ दिया गाना की तबीयत की वजह से एक जाता है। देखिए शोबिज का ये मतलब होता है कोई कॉन्स्टेंटली एक जगह रह नहीं सकता रुक नहीं सकता ये चलता ही रहता सिलसिला। अब हुमैरा चन्ना एक हमारी बहुत अच्छी सिंगर वो आ गई फील्ड में आई है पहले टेलीविजन से मैंने उनको किया उसके बाद वो फिल्मों में चली गई हमारे प्रोग्राम में भी है। जी वही बहुत ही अच्छी सिंगर भी बहुत अच्छी उनकी वालदा बहुत अच्छी है और वैसे भी नेचर की भी बड़ी अच्छी और बड़ा पक्का गाती है क्योंकि सीखा है उन्होंने। एक फिल्म आई थी भट्ट साहब की 1996 में खुदा जाने उसमें इस्तांबुल में एक गाना पिक्चराइज हुआ जो रीमा और बाबर अली पे था। मेरे ख्याल इनसे पूछते हैं कि वो जी बताए उस फिल्म के बारे में और उस गाने के बारे में। खैर साहब मैं पहली बार पाकिस्तान से बाहर गया किसी फिल्म के लिए अच्छा कोई इतना तजर्बा नहीं था और चले गए और जब मैं वहाँ पे गया इस्तांबुल तो जंगीर होटल था जहाँ पे 4 यूनिट ऑलरेडी ठहरे हुए थे उसका बड़ा ट्रेंड था मैडम शमीम आरा का करिश्मा और इकबाल कश्मीरी साहब की बाजीगर और जवेद शेख साहब की मुश्किल के बाद फिल्म थी कोई चीफ साहब वो चीफ ये 3-4 यूनिट थे वो मैं भी चला गया पहली बार मैं पाकिस्तान से बाहर गया कोई तजर्बा नहीं था तो
बहरहाल वहाँ पे जाके शूट किया, तो मुझे जुवेद शेख साहब ने कहा कि यार पब्बू काले जाओ, वहाँ पर लोकेशन बहुत अच्छी है। मैं पब्बू काले चला गया, वो इस्तंबुल तुर्की से, इस्तंबुल से कोई 1200 किलोमीटर दूर था, फेरी समुद्र में आती थी, उसमें बैठ के हम उस फ्लाइंग कोच हमारी फेरी में जाती थी, उसमें गए। बहरहाल चले गए हम पब्बू काले, तो वहाँ पे जाके जब मैंने लोकेशन देखी तो वाइट पहाड़ थे सारे, और उनमें से गंदक का पानी ना आता था, मुख्तलिफ छोटे छोटे पहाड़ों में आकर रुक जाता था। तो मैंने देखा बड़े लोग वहाँ नहा रहे हैं, मैंने पूछा, मेरे साथ थे वहाँ पे मिस्टर खाकान, उन्होंने मुझे बताया कि ये पानी पे जो नहाता है उसकी खारिश दूर हो जाती है, ये जो भी बार, लेकिन वो इतनी खूबसूरत लोकेशन थी, बिल्कुल वाइट। और फिर वहाँ पे मैंने रीमा और बाबर अली का गाना किया, मेरी तिरछी नजर में आया जादू, मेरी बदली कमर में आया, वो गाना इतना स्क्रीन पे अप्रिशिएट हुआ, जब फिल्म लगी तो लोग सिनेमे के आगे ना कपड़ा कर देते थे, ये दोबारा चलाओ, वो गाना 3-3 बार चलता था और बड़ा लोगों ने, रीमा ने किया भी इतना अच्छा, और अशरफ शाहजी साहब थे हमारे डांस डायरेक्टर, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने भी इतना अच्छा करवाया और रीमा ने भी इतना अच्छा किया कि वो गाना यादगार बन गया। सुनते हैं मेरी तिरछी नजर में है जादू। मैलोडी टाइम में खुशामदीद कहते हैं जनाब आप सब लोगों को। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है। यू ट्यून इन टू द लार्जेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क सुनो एफएम 89.4 जनाब। और पीर की दोपहर 2 से 4 ख्वाजा नजमुल हसन और अमीशा की आवाज आपकी समातों से टकराती है जनाब। और आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं शो में, आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हमारे लाइव स्टेटस पर कमेंट कर सकते हैं। मेलोडी टाइम लाइव स्टेटस पर कमेंट करने के लिए आपको फेसबुक सुनो पाकिस्तान हमारे पेज पर जाना है और वहां जाकर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे साथ। इसके अलावा 888 पर भी मैसेजेस कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, सुनो लिखिए, स्पेस दीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम, मैसेज टाइप कीजिए, भेज दीजिए 888 पर। कुछ मैसेजेस की जाने भी बढ़ते हैं फौजी साहब। और जैन ने हमें ज्वाइन किया है, पहली बार सुन रहे हैं, शो पसंद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा गुलाब रिजवी ने हमें ज्वाइन किया है, नाम बड़ा प्यारा है, थैंक यू रफीक, थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट किया हमें शो में। और इसके अलावा है गुलनार अहमद, और इन्होंने भी पहली बार ज्वाइन किया और मेलोडी टाइम की टाइमिंग जानना चाह रही हैं, तो मंडे को आप सुन सकते हैं 2 से 4। इसके अलावा जनाब आप लोगों को ये भी बताते चलें कि आप हमारे शोज़ में, मेलोडी टाइम्स में अपने पसंदीदा फनकारों को अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग भी कमेंट्स के थ्रू सजेशंस दे सकते हैं कि आप नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी मुलाकात किन से करवाई जाए। आज लाहौर स्टूडियो में जनाब पाकिस्तान इंडस्ट्री का वो बहुत बड़ा नाम मौजूद है जिन्होंने हिदायतकारी की दुनिया में अपना लोहा मनवाया। सो आज हमारे साथ मौजूद है मसूद बट, जिनको आप देखते हैं हमेशा पर्दा स्क्रीन के पीछे, और जितनी भी टॉप की एक्ट्रेसेस हैं, अच्छा बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं जिनको आपने इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत से ऐसे एक्टर हैं जिनको जिनको मनवाने का जैसे कहते हैं ना वो इन सहरा इनके सर जाता है। सो मसूद बट साहब, इसके हवाले से भी हमें बताइए कि कौन सी एक्ट्रेस और कौन सा ऐसा एक्टर है जिसको आपने इंट्रोड्यूस करवाया जो कि अपनी पहचान आप बना पूरी इंडस्ट्री में। मैंने ये अपना जब भी इस बोलिया था मोमर आने को कुड़ियों को डाले दाना में, अच्छा। उसकी पहली फिल्म थी, सहरा नसीम के गाने पहली बार पूरी फिल्म में मैंने लिए इसी फिल्म में, कुड़ियों को डाले दाना में। आहा। तो ऐसे तरह बाकी, लेकिन मैंने ज्यादा नए चांस बहुत कम दिए लोगों को, अच्छा। क्योंकि मैं फिल्में जो बनाता था बनती थी उसमें मेच्योर एक्टर चाहिए था, तो इतना टाइम भी नहीं होता था कि किसी के साथ इतना जेन खराब करें, जोर लगाएं, तो मैंने तो वो जो अच्छा मुझे लगा उसको मैंने बुला लिया, काम किया। मैंने बहुत कम नए लड़कों या लड़कों को या किसी को, म्यूजिक डायरेक्टर मेरे थे एम अशरफ साहब, ताफो साहब जो वजात वतरे सुरकार अली, और आकाश में मेरी जो भी वक्त के स्टार होते थे उनको मैं लेता था। मैंने बहुत कम ऐसा काम किया है जो नया, बहुत कम मैंने काम किया। लेकिन मोहम्मद राना भी पूरी इंडस्ट्री में अपनी पहचान, अच्छा जी, इन्होंने भी जिक्र किया है सायरा नसीम का और इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, तो मेरे ख्याल है सायरा नसीम का गाना हो जाए और इनसे पूछते भी हैं। एक था बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, ये फिल्म थी गालिबन जंगल का कानून, जी जी बिल्कुल, 1995 की। इसके बारे में बताइए, सायरा नसीम का ये गाने आपने 2-3 किए। ये गाना मैंने मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे मियां राशिद साहब कराची जी, उन्होंने मुझे कहा कि ये गाना एक बासुबाज चीफ साहब, तो इसको अपना रीमेक करके आप लड़की से ले लें,
तो फिर मैंने अरशद को गाना कहा कि ये यार इस गाने का ट्रैक बना दो, और इसको एम अशरफ साहब का बेटे एम अरशद है, ये एम अरशद ने फिर इसको गाने को बनाया नए सिरे से। तो फिर मैंने ये सैरा नसीम को बुलाया, उसे रिकॉर्ड किया, और उसके बाद मैंने ये नरगस और गुल्लू साहब गुलाम हिदीन साहब ये इन पर पिक्चराइज किया। ये स्कीम बन रही थी उस वक्त 42 सेठ आबा साहब की, वहाँ पर मैंने ये गाना पिक्चराइज किया और ये सुबह किया शुरू और शाम को खत्म कर दिया। अरे जबरदस्त। तो एक दिन में ये गाना किया, कोई टाइम नहीं था, फिल्म लगने वाली थी, 5-6 दिन सेंसर भी कराना था, तो ये गाना किया एक दिन में करके, बड़ा कोऑपरेट किया, नरगस सुबह 7 भी आ गई, गुलू साहब भी आ गए, तो ये हमने गाना किया और ये गाना इतना अप्रिशिएट हुआ कि बाकी लोग गाने भूल ही गए, बस भी बस ज्यादा बात नहीं, बस भी बस ज्यादा बात नहीं। चलिए फिर हम भी यही कहते हैं, बस भी बस ज्यादा बात नहीं, हम सुनते हैं गाना जनाब और इसके बाद आते हैं वापस, हमारे साथ रहेगा। तो जनाब आप सुन रहे थे बस पे बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब, लेकिन हम आपसे मुलाकात करेंगे हर पीर की दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक। तो जनाब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने ट्यून इन किया हमारा रेडियो। हम चूंकि प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, मैं अब चाहूंगी कि मसूद भट्ट से कुछ फरमाइश की जाए अपने किसी पसंदीदा गाने की, जो कि मैं हमेशा अपने शो में प्ले करती हूँ। निकी जी यहाँ के जहाँ तमाम गाने बहुत ज्यादा हिट हुए, वहाँ मसूद भट्ट साहब की ये फिल्म जो सुपर डुपर हिट गई, उसी फिल्म का एक गाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं चाहूंगी कि उसके हवाले से भी हमें कुछ बताएं कि गाने जो थे ये, मैं समझती हूँ किसी भी फिल्म की कामयाबी का राज उसके गानों में छुपा हुआ होता है। सो आपकी इस फिल्म का कोई गाना ऐसा नहीं है जो हमें याद ना हो? रमेश, अब ये फिल्म होती ना, जो खासकर फिल्म पंजाबी हो चाहे उर्दू, इसके लिए म्यूजिक का अच्छा होना बहुत जरूरी है। खाया साहब बैठे हैं, खाया साहब समझदार हैं, उन्हें भी सूझबूझ है म्यूजिक की बहुत ज्यादा। तो फिल्म का जब म्यूजिक अच्छा नहीं होगा ना, फिल्म इतना लॉन्ग रन नहीं चलेगी। एक गाना था इसी का ना, निकी जी आंगा रब जाने मैं किन्ना था, सैरा नसीम, मेरा फेवरेट गाना था, सैरा नसीम और ये अजरा जहान दोनों ने गाया था, और रीमा और सैमा और मोहम्मद राना, ये दोनों लड़कियां थी, एक लड़का था। ये गाना सुनने में आपको शायद इतना अच्छा ना लगेगा, लेकिन जब आप इसकी स्पेशलाइजेशन देखेंगे ना, तो ये गाने ने 4 चांद लगा दिए। आप मेरी देखने वालों से भी और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस गाने की स्पेशलाइजेशन जरूर देखनी है, क्योंकि ये भी गाना बहुत अच्छा था फिल्म में, लोगों ने अप्रिशिएट किया कि रब जाने मैं कितना तुम्हें प्यार करा। इसके भी मैंने 3-4-5 सेट लगाए थे और उन सेट पे मैंने ये गाना किया, और लोगों ने इतना पसंद किया कि ये बड़ी बात है कि आपको भी बड़ा पसंद है जी, बहुत ज्यादा। और ये गाना तो जनाब दिल चाहता है कि रिपीट पे हम लोग रेडियो पे चला दें, और मतलब इस गाने के बोल भी इतने अच्छे हैं कि तू चंद विच बैठा, अब देखे ना, मैंने वो सेट तारे विच, मैंने वो सेट लगाया, तारे भी लगाए, चांद भी लगाया, जो बार बार जो गाने सुनाए जी। और खाली साहब इसी फिल्म का एक और गाना जो है वो चुम चुम रखा तेरी तस्वीर, वो भी बहुत खूबसूरत और बड़ा यूनिक गाना, वो भी दोनों का रिकॉर्ड हुआ था, सैरा और अजरा जहाँ पे, और साइमा जी और रीमा जी पर ये गाना, इसका मतलब आपको बहुत पसंद है निकी जी। ये बहुत मेरी फेवरेट मूवी है, मैंने हाँ, तो मेरी भी। अच्छा खाया साहब, तो मैं तो खाया साहब का बड़ा जी प्रसार हूँ, मैं इनको बड़ा मानता हूँ कि इन्होंने जिस वक्त में वो तरन्नम प्रोग्राम और जितने भी किए मुझे याद नहीं है प्रोग्राम, मुझे तरन्नम खासकर याद है, इसमें 100-150 गाना इन्होंने किया था पिक्चराइज मैडम पे, बड़ी बात है कि मैडम को उन्होंने हैंडल किया और उनको लाते रहे और उनसे 2000 तक जी मैडम के साथ मेरा तो मैं तो खाया साहब का ना मेरा ये प्रोग्राम शौक से देखता हूँ, तरन्नम गाने मैं नेट पे उमूमन चला के देखता रहता हूँ और खाया साहब को दाद देता रहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देखिए जी, मैडम नूरजहां को आशा जी ने फोन किया कि मैं आपके ये गजल जो तरन्नुम की मैं गाना मैं कर सकती हूँ, कि जब ये पब्लिक में चला ही गया है प्रोग्राम तो पब्लिक का हो गया, जो आपका दिल करे आप कर। बड़ी बात, वो तो खैर अलग बात है कि आशा जी का स्टाइल कुछ और था, तो उस तरह से हिट नहीं हो पाया। मैडम मैडम थी और पीछे उनके खाया नजमुद्दीन थे, तो बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मजा आया आपके साथ आज, इट वाज प्लेजर। बड़ी मेहरबानी जनाब देखने वालों की और सुनने वालों की, और मैं खाया साहब का खास खास शुक्रिया अदा करता हूँ, ख्वाजा नजमुद्दीन साहब और रमेश का, कि इन्होंने मुझे बुलाया और इन्होंने ना मुझे एक बड़ा प्यारा छोटा सा एक नाम दिया है, अमीशा की जगह अमीश लगा ना मुझे, ये प्यार वाला नाम और ख्वाजा साहब ने मुझे बुलाया और मैं बड़ा मैंने मजे से ये प्रोग्राम किया है और बड़ा खुश होकर और दिल से मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और आप सब देखने वाले का शुक्रगुजार, मेरी तरफ से आपको सलाम, अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को इस सोनो चैनल को दिन रात रखी दे, और मेरी दुआ है कि
पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में ये छा जाए प्रोग्राम। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर विद दिस ब्यूटीफुल प्रेयर्स। मैं चाहूंगी कि आप एक यूथ को पैगाम जरूर दें जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या सजेशन देंगे आप? हाँ, वो जो यूथ है देखें, ये हमारा फ्यूचर है, तो उनको ये इन चैनलों पे सोनो FM और ये काया नजमुद्दीन साहब में इन लोगों से रابطہ करना चाहिए, इनके पास आएं, ये कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ बताएंगे और आपको फ्यूचर में आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, और इनसे बहुत कुछ आप ले सकते हैं। खाया साहब से अपना आएं और इनके चैनल पे आएं, इनसे मिलें और इनको रिक्वेस्ट करके अपने आप को प्रमोट करें, इनकी वजह से आपको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऑलराइट जनाब, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, हमें कमेंट्स किए, मैसेजेस किए और ड्राइविंग के दौरान हमें सुना और इस वक्त फेसबुक पे हमें देख रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इन मोहब्बतों का शुक्रिया जो आप हमेशा बांटते हैं कमेंट्स के थ्रू और मैसेजेस के थ्रू। इसी तरह सुना FM 89.4 के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए सुना FM 89.4। अपनी होस्ट अमीशा और ख्वाजा नजमुल हसन को इजाजत दीजिए। मेलोडी टाइम में एक नए सितारे के साथ फिर मुलाकात होगी हर पीर को 2 बजे से 4 बजे तक। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा पामान एंड लव यू ऑल। Time